नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में टीचर की वैकेंसी आती है या फिर टेट सी टेट बीएड से जुड़ी न्यूज़ होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी देश में आचार संहिता चल रही है, तो राज्य सरकारों की तरफ से परमानेंट जॉब नहीं आ पा रही है। लेकिन जैसे आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, देश के कई राज्यों में बम्पर भर्तियाँ आएंगी। तो अगर आप शिक्षक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से करते रहें दोस्तों, क्योंकि सभी राज्यों के अंदर लगभग जो है बड़ी भर्तियाँ आने वाली है। लेकिन दोस्तों, अभी सैनिक स्कूल में भर्ती आई है और इस भर्ती में आचार संहिता का कोई भी असर नहीं पड़ता है, तो इस वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको टीजीटी पीजीटी के अंदर जो वैकेंसी मिल रही है, तो दो वैकेंसियों के बारे में हम आपको इस वीडियो में दो वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। तो कौन कौन सी वैकेंसीज आपको यहां पर मिल रही है जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं सैनिक स्कूल के अंदर, ये जो भर्ती है दोस्तों, उसमें आपको कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले टीजीटी मैथ में आपको जो है इसके अंदर पद मिलेगा, जिसमें आपका जो है यहाँ पर बीएड होना चाहिए और इसके साथ ही आपके जो है सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन जो है डाल पाएंगे। और दोस्तों, इसमें आपको अलग अलग तरीके के जो पद हैं वो इस वैकेंसी के अंदर मिल रहे हैं, जिसमें आपको मैथ के अंदर आपका बीएड और आपका जो आपने दोस्तों यहाँ पर जो बीएससी किया हुआ है उसके अंदर आपके कम से कम जो है 50% से ज़्यादा नंबर होने जरूरी हैं। वहीं टीजीटी में जनरल साइंस का आपको मिलेगा, इसमें भी आपको दो जो पद हैं वो यहाँ पर मिलने वाले हैं, जिसमें ओबीसी के लिए एक पद रिजर्व रहेगा और एक पद जो है यहाँ पर सामान्य के लिए रहेगा। तो जनरल साइंस के अंदर भी दोस्तों वही रहेगा, आपको जो है बीएड की डिग्री आपके पास होना चाहिए और इसके साथ ही आपके पास जो है दोस्तों यहाँ पर कम से कम 50% नंबर के साथ जो है आपका जो यहाँ पर ग्रेजुएशन है वो पास होना चाहिए। इस वैकेंसी में भी आप ऑनलाइन जो आवेदन है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। अब वैकेंसी की आगे बात कर लेते हैं, तो इस वैकेंसी के अंदर जो है दोस्तों आपको टीजीटी में संस्कृत के जो पद है वो भी मिलेंगे। यह सैनिक स्कूल अमेठी उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वैकेंसी आई हुई, पहली जो वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया से जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आपका जो वेतनमान रहेगा वो 35,000 रुपये प्रति मंथ रहेगा, 35,000 रुपये से आपका वेतनमान जो है स्टार्ट होगा। तो इस वैकेंसी के लिए जो है आप ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं और इसमें आपको मैथ और साइंस के जो पद हैं वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इसके साथ टीजीटी में जनरल साइंस का जो पद है वो भी आपको मिल रहा है। और इसके साथ ही इसमें अगर बात करें आवेदन की, तो 21 जून जो है यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है। 21 साल से 35 साल तक की आयु की जो अभ्यर्थी हैं वो इस भर्ती के लिए जो है आवेदन डाल सकेंगे। और इस वैकेंसी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपको ये वैकेंसी मिल रही है, तो जो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं उनको इसका ज़्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि जो लोकल हैं उनको यहाँ पर जो है अगर उनका सिलेक्शन होता है तो रहने वगैरह के लिए भी उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। और ये जो वैकेंसी है दोस्तों वो परमानेंट जॉब नहीं है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो आपको ये वैकेंसी जो यहाँ पर मिल रही है, जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन जो है यहाँ पर डाल सकते हैं। और सैनिक स्कूल में भर्ती है दोस्तों, तो एक बार आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको जो है इस वैकेंसी के लिए यहाँ से जो है आपको कोई भी जो है यहाँ पे आपको हटाता नहीं है। तो आप अगर अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करते हैं तो आपके लिए परमानेंट के जैसा ही जॉब होता है। तो आप इसके आधिकारिक वेबसाइट को नोट कर लें, www.saainikshowalameethi.com। जी हाँ दोस्तों, यह इसकी वैकेंसी की जो है अधिकारी वेबसाइट है, www.sainikschoolamethi.com। दोस्तों, अमेठी उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये आपको भर्ती है वो मिल रही है, तो यहाँ पे आप आवेदन डाल सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं सैनिक स्कूल के अंदर जो है कई राज्यों के अंदर इस समय भर्ती आई है, वहीं बात कर लेते हैं नवोदय विद्यालय भर्ती की। तो इसको लेकर जो नया विज्ञापन है वो क्या कुछ जारी हुआ है और इस भर्ती के लिए आपको जो है क्या कुछ करना होगा, चलिए वो भी जान लेते हैं। नवोदय विद्यालय के अंदर भी आपको बड़ी भर्ती मिलने जा रही है और इसके अलावा यहाँ पर केंद्रीय KVS के अंदर जो है वो भी वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों, जैसे ही आचार संहिता हटेगी, देश में कई बड़ी भर्तियां आएगी, चाहे किसी की भी सरकार बने, राज्यों के अंदर भी जो भर्तियां हैं वो अटकी हुई हैं, तो वहां पर भी जो वैकेंसीज है वो आने वाली है। नवोदय विद्यालय वैकेंसी की दोस्तों बात करें तो इसमें आपको TGT म्यूजिक लाइब्रेरियन, PGT हिंदी, TGT इंग्लिश, PGT में मैथ, PGT फिजिक्स, PGT में केमिस्ट्री, PGT में बायोलॉजी, PGT में हिस्ट्री, PGT में आपको ज्योग्राफी, PGT में इकोनॉमिक्स, PGT के अंदर कॉमर्स और PGT में कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट हैं वो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। अन्य सब्जेक्ट की अगर दोस्तों यहाँ पर बात करें तो TGT के अंदर आपको साइंस, TGT में आपको सोशल साइंस, TGT के अंदर जो है आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर मिल रहे हैं। इसके अलावा TGT इंग्लिश, TGT हिंदी, TGT के अंदर मैथ, TGT कंप्यूटर साइंस और TGT के अंदर जो है आपको सोशल साइंस का सब्जेक्ट भी मिलेगा। अगर बात करें भाषा की यहाँ पर, तो आपको कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु, मराठी, गुजराती, ओडिया, पंजाबी, ये जो सारी भाषाएँ हैं दोस्तों यहाँ पर आपको मिलती है। इसके अलावा आपको पंजाबी और
इसमें आपको संस्कृत का जो रहेगा, इसके साथ TGT के अंदर आपको फिजिकल एजुकेशन के भी पद मिलेंगे, जिसमें मेल और फीमेल के लिए अलग से आपको जो यहाँ पर सीट मिलेगी। तो इस वैकेंसी के लिए दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के जो पद हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। बात करें इस भर्ती की पूरी जानकारी की दोस्तों, तो यहाँ पे भारत सरकार का स्वायत्त संगठन जो है क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर की तरफ से भर्ती निकाली गई है। तो navodaya.gov.in/NAVS, तो इस वैकेंसी को जो है जयपुर से निकाला जा रहा है। 2024-25 के लिए ये वैकेंसी निकली है, यानी ये जो परमानेंट जॉब है वो नहीं है नवोदय की, ये जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको जो वैकेंसी है वो मिल रही है। तो इस वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 27 मई 2024 से आवेदन लिए जाएंगे, जो कि 7 जून 2024 तक चलेंगे। तो आप इसके अधिकारी वेबसाइट पर जाके आवेदन कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा www.navodaya.gov.in/NVS/ROI Jaipur/EN/home। तो इस वैकेंसी के लिए आप यहां से जो है आवेदन कर सकते हैं। 27 मई से आवेदन शुरू होंगे, ओपनिंग जो डेट है वो 27 मई है और लास्ट डेट जो है वो 7 जून 2024 है। और वैकेंसी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट करेक्शन करने के लिए आपको 8-6 तक का टाइम मिलेगा, और इसके अलावा जो आपकी मेरिट वगैरह है उसमें भी जो डेट है वो साफ आ चुकी है। और पब्लिशिंग फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी निकलेगी वो 20 तारीख को निकलेगी। आपका जो ऑनलाइन इंटरव्यू होगा वो 14-6-2024 को होगा। तो दोस्तों ये राजस्थान के जयपुर में आपको नवोदय के अंदर ये वैकेंसी जो है यहाँ पर मिल रही है, जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको जो सब्जेक्ट की अगर बात करें दोस्तों नवोदय की इस भर्ती के लिए आपको क्या क्या मिल रही है, तो इसमें आर्ट टीचर के भी पद आपको मिलेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर TGT के अंदर कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, BEd आपका होना चाहिए। और इसके अलावा जो है दोस्तों इस वैकेंसी के लिए आपके पास जो है आपकी ग्रेजुएशन में कम से कम 50% नंबर जो है आपके होने चाहिए, तभी आप इस भर्ती के लिए जो है आवेदन डाल पाएंगे। 2 साल पहले तक नवोदय विद्यालय में ऐसा होता था कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर के लिए अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको बुलाया जाता था, मतलब अगर आप सिलेक्ट हो गए तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया गया तो आपको ज्वाइनिंग जरूर दी जाती थी। अब नवोदय विद्यालय में केंद्रीय विद्यालय जैसा करने लगे हैं, कॉन्ट्रैक्ट टीचर में वो पैनलिस्ट बनाएंगे और शॉर्ट लिस्ट भी हो गए तो हो सकता है आपको ज्वाइनिंग के लिए ना बुलाया जाए। तो दोस्तों इस वैकेंसी के लिए आप जो है आवेदन डाल सकते हैं, जयपुर में ये वैकेंसी है। तो अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं या अगर आप बाहर के रहने वाले हैं तो भी इसमें जो है आप आवेदन डाल सकेंगे। तो नवोदय विद्यालय के अंदर परमानेंट जो भी दोस्तों आने वाली है, जैसे ही जो चुनाव है उसके आचार संहिता हट जाएगी, उसके बाद में जो परमानेंट जॉब है वो भी आएगी। तो BEd वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर आ रही है, देश के कई राज्यों में आपको नई वैकेंसीज देखने को जो है मिलेंगी। तो तमाम राज्यों की भर्तियों की जो जानकारियां हैं दोस्तों वो हम आप तक साझा करते हैं। तो यह आपका अपना चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हर महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक सबसे पहले चैनल पर पहुँचाते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएँ। और आप कौन से राज्य से टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा, आपके राज्य की भर्ती की जानकारी आप तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। आपका बेहद धन्यवाद।